चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनावी तिथियों का ऐलान कर दिया है। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 12 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आयोग ने अभी गुजरात चुनाव के लिए ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद गुजरात चुनाव की तिथियों की घोषणा होगी। हिमाचल में मतदान और वोटों की गिनती के बीच 26 दिन का अंतर है। ऐसे में अटकलें हैं कि गुजरात चुनाव भी 8 दिसंबर के पहले हो जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्यों आयोग ने दोनों राज्यों के लिए चुनावी तिथियों का ऐलान एक साथ नहीं किया, इसके मायने क्या है, विपक्ष का क्या कहना है, इन सब सवालों के बारे में आपको बताते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि 3 कारण हैं जिसके चलते गुजरात चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति अलग है, यही सबसे बड़ा कारण है कि दोनों राज्यों में अलग अलग चुनाव होंगे। इसके अलावा और भी कारण वरिष्ठ पत्रकार ने बताए। पहले कारण की बात करें तो गुजरात से पहले हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म होगा। वहीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2023 को खत्म होगा। यूं तो दोनों ही राज्यों में चुनाव कराने के लिए आयोग के पास पर्याप्त समय है। वहीं दूसरा कारण खराब मौसम का भी होना है। हिमाचल प्रदेश में ठंड के समय मौसम काफी खराब रहता है। कई जगहों पर बर्फबारी के चलते दिसंबर में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। मौसम खराब होने से पहले चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में पहले की प्रक्रिया नवंबर में संपन्न कर लेगा। वहीं गुजरात में दिसंबर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरा कारण है 2017 की पुनरावृत्ति। बता दें कि 2017 में भी गुजरात चुनाव का ऐलान होने से पहले हिमाचल की चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री की कुछ सरकारी रैलियां होनी बाकी थी, इसलिए ऐसा किया गया। इस बार भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर सकते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं। 18 से 20 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो आयोजित होना है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के अध्यक्ष अभी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 144 सीटों से होकर गुजरेगी। इसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल भी हो रहे हैं। ये यात्रा 10 दिन तक चलेगी। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव को बाद में कराने पर उठे सवाल का चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। आयोग ने बताया है कि दोनों राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल का अंतर 40 दिन का है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की काफी समस्या है, खासतौर पर ऊपरी इलाकों में जहां बर्फबारी बहुत होती है। ऐसे में आयोग ने मानकों को देखते हुए ये फैसला लिया है। बता दें कि गुजरात में पिछली बार 2 चरण में चुनाव हुए थे। 25 अक्टूबर 2017 को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। पहले चरण के लिए 14 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले गए थे। पिछली बार भी दोनों राज्यों में अलग अलग तारीख पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। यूं तो पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। वहीं कांग्रेस में 2017 के कई बड़े चेहरे इस बार पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम हार्दिक पटेल का है। हार्दिक ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2017 में हार्दिक ने गुजरात में पाटीदार आंदोलन करके बड़ा नाम कमाया था। उनके साथ जिग्नेश मेवानी और कई युवा कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। अब हार्दिक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।